हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। आपने जो प्रीवियस वीडियो देखा त्रिकोणमिति का, एक बेसिक सा वीडियो, आपने त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर मैं बात कर रहा हूं कि आपने कोण के रेस्पेक्ट में, एक एंगल के रेस्पेक्ट में किस तरीके से आपने लंब को लिखा, किस तरीके से आपने आधार को लिखा और कर्ण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं, क्योंकि कर्ण जो होती है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है और लंब और आधार आपके चेंज हो रहे थे कोण के रेस्पेक्ट में। अगर आपने कोण वो लिया तो आपका आधार कुछ और हो रहा था, लंब कुछ और होता। पिछले क्वेश्चन में आपने ये देखा, आपने इन तीनों भुजाओं का रिलेशन भी देखा, एक कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आपके पास में आधार दे रखा है, आपके पास में लंब दे रखा है, तो आप उसे तीसरी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बोधायन प्रमेय से भी जाना जाता है। फिर मैंने इसी को आपको जो सामने टेबल दिखाई दे रही है, टेबल को भी मैंने एक्सप्लेन किया था, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक और कॉट आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, लाल का एल ए एल के और ए, लाल कक्का से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। यदि sec थीटा इक्वल टू 13/5 तो थीटा के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। यहां पर एक शब्द आया है अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, आपको एक त्रिकोणमिति अनुपात दे रखा है, sec थीटा दे रखा है। मैं त्रिकोणमिति अनुपात पर आ रहा हूं, फिर से देखना। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब है जो भी आपने समकोण त्रिभुज देखा था उस समकोण त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं और उन तीन भुजाओं में आपस में जो रिलेशन था, दो भुजाओं का जो अनुपात आपको दिखाई दे रहा था, वही हमारा त्रिकोणमिति अनुपात होता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर लंब और आधार और कर्ण के भुजाओं में अगर मैं अनुपात की बात कर रहा हूं, अगर मैं लंब और कर्ण का अनुपात कर रहा हूं तो साइन मिल रहा है, अगर मैं आधार और कर्ण का अनुपात देख रहा हूं तो कॉस मिल रहा है, और अगर मैं लंब और आधार का अनुपात देखता हूं तो टेन थीटा मिलता है। स्टार्टिंग में सिर्फ तीन ही मेन, तीन ही मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात थे और उसके बाद में इन्हीं तीन से, इन्हीं तीन के इन्होंने उल्टे कर दिए परिवर्तन, कैसे इन्होंने इनका व्युत्क्रम बना दिया। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं लंब बटा कर्ण, लंब आप ऊपर अंश में लिख रहे हैं और यहां कर्ण आप हर में लिख रहे हैं। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, कर्ण को अगर अंश में लिख रहा हूं और लंब को हर में लिख रहा हूं, तो एक और मेरे पास में त्रिकोणमिति अनुपात आ रहा है जो कि बेसिकली कॉसेक है। इसीलिए साइन का जब आप उल्टे की बात करते हैं, साइन के आप व्युत्क्रम की बात करते हैं, उस कंसेप्ट में कॉसेक इसका व्युत्क्रम होता है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं साइन थीटा, तो मैं इस तरीके से एरो वाइज पढ़ूंगा लंब बटा कर्ण, और अगर मैं कॉसेक की बात कर रहा हूं तो कॉसेक आप पढ़ेंगे कर्ण बटा लंब। इसी तरीके से तीन जो थे वो मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात की श्रेणी में आते हैं और जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीन मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि तीन आपको दिखाई दे रहे, तीन से व्युत्पित हुए और ये तीन के व्युत्क्रम आपको दिखाई दे रहे हैं जस्ट इसके उल्टे। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, sec थीटा आपको दे रखा है 13/5, कैसे करना है इसका सोल्यूशन। sec थीटा आपको दे रखा है 13/5। अगर मैं बात करने वाला हूं sec थीटा की, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा sec जो है वो cos का उल्टा है, cos होता है आधार बटा कर्ण और sec क्या होगा जस्ट इसका उल्टा है, लेकिन मैं क्या लिखने वाला हूं यहां से कर्ण बटा आधार। तो यहां से आपको अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने, और अन्य त्रिकोणमिति अगर अनुपात ज्ञात करने हैं तो मेरे उसके लिए मेरे को चाहिए क्या, कर्ण आपके पास में है, आधार आपके पास में है, तो आपको चाहिए कि आपको लंब की जरूरत है। और मैंने कहा था अगर आपके पास में दो भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा किससे ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। वापस फिर से लिख रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय बेसिकली होती क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको कर्ण बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, कंपेयर कर रहा हूं, इस रेशियो से कंपेयर कर रहा हूं, रेशियो से आपको दिखाई दे रहा होगा 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, आधार भी बिल्कुल आपके पास में 5 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर आपको ज्ञात करना है 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहां से हो गया लंब स्क्वायर 169 माइनस 25 कितना होने वाला है, लंब स्क्वायर इक्वल टू 144, लंब की वैल्यू मेरे पास में कितनी मिल रही है 5, आपके पास में लंब 5 आ रहा है, सॉरी 144 की अगर मैं बात करूं तो लंब आपके पास में 12 वैल्यू आ रही है। तो मैं यहां से बात करने वाला हूं, लंब आपके पास में 12 है, 144 का आप में वर्गमूल करता था आपको बिल्कुल 12 मिल रहा है, लंब आपके पास में 12 है।
कर्ण आपके पास में 13 दिखाई दे रहा है और आधार आपके पास में 5 है, तो आपको 3 वैल्यू मिल गई। लंब आधार, लंब की वैल्यू 12, आधार की वैल्यू आपको 5 दिखाई दे रही, कर्ण की वैल्यू 13। आपने जस्ट बताया था कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा, आपको कर्ण बिल्कुल बड़ा दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है। तो यहां से क्या कहना, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात पे जा रहा, कौन से वाले पे, साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। लंब और कर्ण का अनुपात करना है, लंब का मतलब है 12 और कर्ण का अनुपात आपको दिखाई दे रहा होगा 13 आपको दिखाई दे रहा है, तो 12/13 हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करने वाला हूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा आपके पास में फॉर्मूले से आधार बटा कर्ण होता है, आधार आपके पास में कितना है 5, कर्ण की बात करो तो 13 आपको दिखाई दे रहा है। कॉस सेक का उल्टा होता है, आप देख सकते हैं सेक इसका उल्टा ही दिखाई दे रहा है, 5/13 को मैं उल्टा करूंगा 13/5 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, और लंब की बात करूं तो आपके पास में 12 मान है, आधार की बात करूं तो आधार आपके पास में 5। नेक्स्ट साइन के जस्ट उल्टे की कॉसेक की, तो कॉसेक आपके पास में कितना हो जाएगा, अगर मैं इसी से फाइन भी नहीं करूं, इसी से अगर बताना चाहूं तो कॉसेक जस्ट इसका उल्टा कितना हो जाएगा 13/12। सेक आपको दे ही रखा है, वापस लिख लेता हूं, सेक थीटा कितना हो गया 13/5। नेक्स्ट बात करूं टेन थीटा की, टेन थीटा आपके पास में कितना है, कॉट टेन थीटा आपके पास में दिखाई दे रहा है 12/5, तो कॉट कितना होने वाला है 5/12। तो ये आपके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, उससे आपने कितने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, अन्य 5। तो ये आपका सॉल्यूशन, बहुत इजी सा क्वेश्चन। आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, अगेन मैं याद दिला रहा हूं, लाल पक्का से आपको इस टेबल को याद करना है। आपके लिए आज मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं, उस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो तक वेट करूंगा, मतलब कल तक का वेट करूंगा, कल तक आपको शाम तक, आपके पास शाम तक का टाइम है, शाम तक आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपका जो आंसर उसको कमेंट कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। तो इसी फॉर्मेट से आपको एक और क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो क्वेश्चन देखिएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप, यदि टेन थीटा आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये आपको दे रखा है, और इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपको इसके साथ में एक वैल्यू भी प्रोवाइड कराई कि आप ए प्लस बी की हेल्प ले सकते हैं, अगर हेल्प इसकी आपके को इसकी जरूरत है तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 1 आपको दे रखा है, और साथ में आपको फाइंड करना है कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको क्या करना है, टेन थीटा से आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकालना, आपको सिर्फ एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जो कि बेसिकली आपका क्या है कॉस थीटा। आपको क्या फाइंड करना है यहां से, आपको यहां से फाइंड करना है कॉस थीटा। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने, इसी कंसेप्ट से कॉस थीटा का वेट कर रहा हूं मैं, किस तरीके से आपको इसका आंसर देना, कल तक का वेट करूंगा, शाम तक आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे जो वीडियोस हैं मैथ्स की, मैं कंटिन्यू हर टॉपिक से लेने वाला हूं, मैं स्टार्टिंग अपने ट्रिग्नोमेट्री से किया, बहुत ही बेसिक लेवल से, बहुत ही ग्राउंड लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री को। आपके पास में मैथ्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एसीएल क्लासेस से आप बिल्कुल बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस लाइक कीजिएगा। तो आपको मैं कल इस क्वेश्चन के साथ में मिलने वाला हूं, अगेन इस क्वेश्चन के साथ में मैं एक और कंसेप्ट के साथ में आने वाला हूं, उसके लिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं वेट करूंगा, कल तक आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।